अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि जो एक्ने की समस्या होती है ये आखिर क्यों होती है? एक्ने की समस्या सबसे बड़ी ये इसमें दिक्कत होती है लोगों की, युवावस्था के जो लड़के लड़कियां रहते हैं उनको खास करके होता है। कुछ कुछ केसेस में ये 35-40 ईयर्स के रेंज में भी होता है। तो इसमें जो हमारे रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके कारण सबसे मुख्य समस्या ये होती है। फर्दर इसको हम लोग सफाई करके सुसुम पानी से चेहरा सुबह शाम धोएं और उसमें उपयुक्त दवा डॉक्टर की सलाह से लगाएं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक अहम सवाल ये है क्योंकि लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्ने और पिंपल में क्या फ़र्क होता है? देखिए, वस्तुतः एक्ने और पिंपल में कोई वैसा फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही एक सिंपल नाम है कॉमन और दूसरा एक मेडिकल टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं एक्ने। मतलब दोनों बिल्कुल बराबर है, क्योंकि कई एक जगह लोग कहते हैं कि जो पिंपल होता है वो एक्ने से जो बीमारियां होती है उसकी वजह से एक निकल के आने वाली कोई चीज़ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, दोनों सेम है। एक्ने को लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता कब पड़ जाती है? देखिए, जब ये आपको दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देते हैं या फिर कुछ घरेलू इलाज करते हैं तो ये बढ़ जा सकता है और इन्फेक्टेड हो सकता है, जिसके कारण चेहरे पे दाग धब्बे हो जाएंगे जो बहुत मुश्किल से छूटते हैं। इसलिए सर्वप्रथम जब भी आपको नज़र आए तो उचित डॉक्टर के पास जा कर के सलाह लेनी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि लोग घरेलू उपाय करने लगते हैं, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि एक्ने को लेकर लोग सबसे आम जो गलती है वो क्या करते हैं जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए? सबसे जो आम गलती लोग करते हैं वो ये है कि जब दाने होते हैं चेहरे पे तो उसे फोड़ देते हैं, तो फोड़ने से होता क्या है कि उसमें इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और फिर वो बड़े होकर के घाव हो जाएंगे और दाग रह जाएंगे। ये चीज़ से परहेज करना चाहिए जी। अब एक अंतिम सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही पूछना चाहूँगी कि एक्ने को लेकर सबसे आसान जो घरेलू इलाज होते हैं जिससे लोग इस समस्या को घर पर ही ठीक कर सकते हैं वो क्या क्या है? इसके लिए सबसे उचित उपाय ये है कि वो सुसुम पानी से, साबुन से कोई ऐसा जिसमें ये मिक्स रहे और वो लगा करके चेहरा धोए, और इसके अलावा आप और ज़्यादा इसमें ये करना चाहते हैं तो आप चेहरे पे वेपर ले सकते हैं, वो एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इन सब चीज़ों से अगर आप करेंगे तो आपको एक्ने होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।